नादौन के समीप कोहला गांव में ब्यास नदी में एक अज्ञात व्यक्ति का शव दिखाई देने से लोगों में सनसनी फैल गई। स्थानीय लोगों ने इसकी सूचना पुलिस को दी। अतिरिक्त थाना प्रभारी राजेश कुमार की अगुवाई में पुलिस ने मौके पर कार्रवाई आरंभ की। ये शव पानी के अंदर पड़ा था। जानकारी के मुताबिक लग रहा है कि ये कहीं से बहकर ये शव यहाँ पानी का बहाव कम होने से फंस गया था, बुरी तरह गल चुका। ये शव किसी नेपाली मूल का लग रहा था। शव से काफी बदबू आ रही थी। मृतक ने निक्कर व कमीज पहन रखी थी। उसके मुंह व गले पर घाव हैं। उसका चेहरा बुरी तरह फूला हुआ था, जबकि हाथों पर भी चोट के निशान हैं। पुलिस ने शव को पानी से बाहर निकालकर पोस्टमार्टम के लिए हमीरपुर भेजा। इस संबंध में मौके पर पहुंचे थाना प्रभारी महेंद्र परमार ने बताया कि अभी मृतक की पहचान नहीं हो पाई है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। आगे की जांच जारी है। प्रधान कोल्ला ने सूचना दी थाना पर कि एक डेड बॉडी ब्यास के किनारे मिली है। जो इस सूचना पर हमने तस्दीक हेतु सब इंस्पेक्टर के साथ यहाँ पहुँचा तो ये डेड बॉडी एक पुरुष पाई गई है, लेकिन ये पहचान न हो सकी है कि गल सड़ चुकी है। इसको प्राय पोस्टमार्टम मेडिकल कॉलेज हमीरपुर भेजा जा रहा है। फिर भी समस्त थाना जात को सूचित कर दिया गया है, किसी के इलाके में अगर कोई मेल की गुम सकती हुई हो तो थाना नादौन से संपर्क करें। नादौन से प्रदीप शर्मा की रिपोर्ट।